हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम लोग यहाँ पर जो है ट्रांसपोज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट टोटली ख़त्म कर चुके हैं, उनके सभी जो थ्योरेटिकल प्रूफ हैं एंड देन जो आपके पास वहाँ पे उनके साथ कंसर्न्ड प्रॉब्लम्स थी दे हैव बीन डन। नाउ आज हम जो है यहाँ पे इस चैप्टर के साथ कंसर्न्ड आखिरी टॉपिक जो है वो उठा रही है, और वो टॉपिक आपके पास यहाँ पे क्या है, यू हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स वाई मेकिंग यूज ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो मतलब अब आपने करना क्या है, आपने किसी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। अब इन्वर्स निकालने का मतलब यहाँ पे क्या है, इन्वर्स निकालने का मतलब आपको अगर समझना है उससे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो हम बिगनिंग यहां से कर रहे हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या है हम पहले इसकी बात करेंगे यहाँ पे। अच्छा सुनो, देखो बेसिकली अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है देन एंड ओनली देन वी विल से कि हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है मतलब आई कैन फाइंड इट्स इन्वर्स, और इफ आई कैन फाइंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स डेट इज नोन एज इन्वर्टिबल। ये बात आपको पहले समझ के चलना है। अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखो मान लो जो ए है, ए मेरे पास यहां पे कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, लाइक इट कैन बी 2x2, इट कैन बी 3x3। नाउ दीज आर द ओनली टू पॉसिबिलिटी विद यू। ओके, तो आई हैव टेकन ए टू बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर एन, देन If we can find a matrix B, ये भी क्या है, स्क्वायर है ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर मीन जो कि A का है, तो लेट A बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इफ वी कैन फाइंड अ मैट्रिक्स B ऑफ सेम ऑर्डर N which is square one, such that मैं चाहे तो a को b से multiply करूं या b को a के साथ, I'm going to get identity and then identity of same order, then what I can say, then ये जो b है, b is known as inverse of a, तो हम इसको क्या लिखेंगे, B इज इक्वल टू A इनवर्स। ओके, लेट मी टेक ऑन टू दिस कंसेप्ट, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। पहले देखो ये आपके पास पूरा कंसेप्ट यहां पे क्या है, व्हेन आई कैन से A इज इन्वर्टिबल, व्हेन आई कैन से A इज इन्वर्टिबल, इफ आई कैन फाइंड अ मैट्रिक्स B सच दैट इधर यू मल्टीप्लाई A बाय B और B बाय A, यू आर गोइंग टू गेट रिजल्टेंट मैट्रिक्स इन फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इफ यू आर एबल टू गेट वन सच मैट्रिक्स बी व्हेन यू मल्टीप्लाई दैट बाय ए एंड वी आर गेटिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वी कैन से बी इज इनवर्स ऑफ ए। हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ओके, लेट यू चेक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहां पर कहता हूं, सपोज मैंने यहां पर ए मैट्रिक्स कोई भी कंसिडर करना है, लेट इट बी 3, 4, 2, 3, हम ये कोई भी एक मैट्रिक्स लेके चलते हैं। अब मैं इस मैट्रिक्स को यहां पे ऐसे किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास वहां पे आइडेंटिटी आ जाए, मतलब आई एम गेटिंग ए बी इक्वल टू बी ए, बोथ इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रादर। तो आप सपोज कर लो कि जो बी है, बी मेरे पास यहां पर क्या है, डेट इज 3-4-2, 3, फाइन, हमने इसको उठा लिया यहां पर। अब देखो मेरे पास, मैंने क्या कहा, मान लो ए मेरे पास ये है, बी यहां पे ये है, लेट मी चेक व्हाट इज योर प्रोडक्ट, ए इंटू बी यहां पे क्या आएगा, ये ए है, ये आपके पास यहां पे बी है, लेट यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, ये कितना बनेगा, आपने मल्टीप्लाई करना, यू नो व्हाट आर द वर्किंग रूल्स, तो 3, 3, 9, 4 × −2 − 8, देन 3 × −4, 4 × 3, व्हाट इज हैपनिंग हियर, 2 × 3, 6, 3 × −2, 6,
2 into minus 4, minus 8, 3 into 3, 9. So what do we get on the whole? I'm getting identity matrix. Fine. So what is happening? I'm multiplying A and B. And I'm getting identity element there, identity matrix I'm getting there. So what does this mean? This means B is inverse of A. Similarly, if you multiply B by A, I will again be getting identity. You can check that one. आप इसको later on अपने आप check कर सकते हो. तो आपके पास यहां पे क्या है? It means A भी यहां पे क्या है? Inverse of B. देखो, जैसे B inverse of A है, तो यहां पे A inverse of B है. तो what I can say, whenever you are having two matrices A and B such that AB is equal to BA is equal to identity. In that case, I can say A inverse equal to B and B inverse equal to A. So that is as per definition of invertible matrices. अब हमारे पास होना क्या है? सुनो, आप लोगों को at a time you will be given a 2 by 2 and 3 by 3 matrix. तो आप लोगों ने करना क्या होगा? आपने उनका inverse निकालना होगा. अब ये जो इनवर्स निकालना है, ये इनवर्स निकालने वाला काम जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसमें आप लोगों को अभी लगेगा टाइम. तो अपना इन बातों को थोड़ा सा समझ के चलना. मान लो मैं आपको यहां पे कहता हूं, ठीक है, हम एक एग्जांपल लेके चलना चाहते हैं. लेट मैं यहां पे कोई भी एक मैट्रिक्स लेके चलना चाहता हूं. फिलहाल के लिए एक मैट्रिक्स लेके चलते हैं. लेट इट बी, फिलहाल के लिए यही एग्जांपल उठा लें, 3 4 2 3. लेट इट बी, suppose I have to get its inverse. Fine, मैं फिलहाल के लिए ये वाले particular एक matrix को उठा के चल रहा हूँ. तो अगर आपने इसका inverse निकालना है, तो inverse आप यहाँ पे कैसे निकालेंगे, हम इसकी बात करते हैं. पहली बात तो inverse निकालने के लिए अब आपने यहाँ पे करना क्या है, you have to evaluate inverse using row transformation. Now that is something very very important and where you need to focus. क्योंकि अगर आपको ये concept समझ आया, तभी आप 3 by 3 की बात कर पाओगे, वरना possibility ही नहीं है. Okay, listen carefully now what I'm saying here. Look, I need to find its inverse here. There is one thing that is for sure, you can say, I can write any matrix A equal to A into identity. कारण क्या है? अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे, आई विल बी गेटिंग सेम थिंग बैक. वी नो दिस थिंग ऑलरेडी. अब एक काम करते हैं. व्हाट इज द मैट्रिक्स ए गिवन टू यू? 3 4 2 3. फाइन, तो आई एम फीलिंग वैल्यू ऑफ ए हियर. लेट वी डोंट मेक एनी चेंज हियर टू बी केप्ट एज सच. And what is identity? Identity mean यहाँ पे क्या है? A 2 by 2 matrix. Because I will be getting a 2 by 2 matrix only when I multiply 2 by 2 with 2 by 2. ये आपको पहले से पता है कि 2 by 2 है. तो यहाँ पे 2 by 2 आपके पास होना ही पड़ेगा. आप चेक कर सकते हो as per rule of multiplication. तो बड़ा डन. अब आपके पास यहाँ पे क्या है? You already know कि I can write A equal to A time identity. I'm filling value of matrix A here. This A to be kept as such. And then you're making a replacement of identity matrix by this value जो आपके पास है यहां पे. अब बात करते हैं आगे. अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना. इस पूरे प्रोसेस में आप लोगों ने करना क्या है? आप यहां पर ये मैट्रिक्स को यहां पे आइडेंटिटी बनाएंगे. मेक इट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मेक इट अ यूनिट मैट्रिक्स. आपने इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, इसको आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है. मतलब कैसा बनाना है? ऐसा बनाना है. अब इसको अगर आप यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक मैकेनिज्म है जिसको आपको यहां पे अडेप्ट करना है. नाउ व्हाट इज दैट मैकेनिज्म? पहले उसकी बात करते हैं. लुक, हम क्या कर रहे हैं? हम यहां पे एक 2x2 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं. आई वॉन्ट टू मेक इट identity. Fine. Now the two row and two column with you, and then elements here, they are in format a11 a12 a21 a22. Ab
अगर मैं यहां पे कहता हूं कि मेरे को ये जो है ये 2x2 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो आपके पास मैकेनिज्म क्या कहता है, आपको जो है ये प्रोसेस को एज सच अडेप्ट करना है। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। आप सबसे पहले ये जो है इसको 1 बनाओगे, ओके तो आप यहां पे क्या करेंगे, जो एलिमेंट यहां पे पड़ा होगा पहले आप इसको 1 बनाएंगे, तो आप यहां पे क्या करेंगे, यू विल बी मेकिंग A11 = 1। फाइन, जब आपके पास ये 1 बन गया तो आप लोग यहां पे अगला काम क्या करोगे, आप देन इसके नीचे ये वाले प्लेस पे आओगे, इसके बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड यहां पे क्या है, A21। फिर आप क्या करेंगे, आप यहां पर A21 को 0 बनाओगे। ठीक है, तो पहले हम देखो, मेरे को इसको आइडेंटिटी बनाना है तो मैंने पहले इसको 1 बनाया, 1 के बाद ये आपने क्या बनाना है, 0 बनाना है। लेकिन जो ये आपने यहां पे A21 को 0 बनाना है, इट इज टू बी डन विद हेल्प ऑफ A11। आई विल टेल यू कि ये इसका मतलब क्या है, मतलब A21 को आप 0 बनाओगे विद द हेल्प ऑफ A11। देन थर्ड वन आप यहां पे क्या करोगे, फिर आप यहां पे आओगे, लुक आइडेंटिटी आपके पास ये है 1001, तो पहले हम ये 1 बनाएंगे, जब ये 1 बन गया फिर हम यहां पे ये 0 बनाने पे फोकस करेंगे, जब ये 0 बन गया फिर आप यहां पे चलोगे, फिर आप क्या बनाएंगे, 1। तो अब जो आपके पास थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल पे हम यहां पे A22 को 1 बनाएंगे, दैट इज अनदर थिंग विद यू। एंड देन फाइनली आप यहां पे आएंगे वापस यहां पे, तो यहां पे क्या करेंगे, मेक A12, ये पोजीशन को आप यहां पे 0 बनाओगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ व्हाट, A22, विद हेल्प ऑफ A22। तो ये आपका यहां पे मैकेनिज्म है, ये वर्किंग प्रिंसिपल है। अभी इसको अप्लाई करना है वो हम बाद में देखेंगे कि कैसे अप्लाई होगा। तो मैंने अभी फिलहाल के लिए आपको क्या बताया है, आपने क्या करना है, मैंने आपको ये कहा कि आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ। आइडेंटिटी बनाने का मतलब है यहां पे मेरे को क्या करना है, मेरे को यहां पे 1001 बनाना है। जब आपने ये मैट्रिक्स यहां पे जनरेट करना है तो देखो मैकेनिज्म क्या कहता है, पहले आप इसको 1 बनाएंगे, जब ये 1 बना दिया, इसको 1 बनाने के बाद इसके नीचे वाला 0 बनाओ, और ये 0 बनेगा इसकी हेल्प से। फिर आपने ये 1 बनाना है, जब आपने ये 1 बना लिया उसके बाद ऊपर वाले को 0 बनाओगे, तो ये जो ऊपर वाला आपने यहां पे 0 बनाना है ये आपने A22 की हेल्प से बनाना है। तो ये आपके पास ऐसे चलता है, मतलब मैकेनिज्म क्या है, 1 then 0 then 1 then 0। ये तो हो गया आपका टास्क। अब हम चलते हैं यहां पे सम की तरफ। नाउ हाउ टू ऑपरेट इट, लुक व्हाट आई एम सेइंग नाउ। देखो मान लो मैं यहां पे अब इसको आइडेंटिटी बनाना चाहता हूं, तो आइडेंटिटी बनाने के लिए आपने यहां पे करना क्या है, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना, इट विल टेक टाइम। देखो आइडेंटिटी के लिए सबसे पहले मेरे को इसको 1 बनाना है, आई हैव टू मेक इट 1। इसको 1 बनाने का मतलब है आप यहां पे ये वाला पोजीशन जो है वो फिक्स कर रहे हो फिलहाल के लिए। सबसे पहले मेक A111, मेरे को इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, यू आर हैविंग टू ऑप्शन, जब भी आपने 1 बनाना है या तो आप जो एलिमेंट यहां पे पड़ा है उससे ही डिवाइड कर दो। हाउ आई कैन मेक 3 1, 3 को मैं 1 कैसे बनाऊंगा, आई विल डिवाइड 3 by 3, तो मतलब या तो मैं 3 को 3 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है। एक ऑप्शन क्या है, अगर मैं 3 में से 2 को माइनस कर दूं, 2 नीचे पड़ा है, ठीक है। हम दोनों तरीके से सम को ऑपरेट करके देखेंगे, मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा। पहले आप यहां पे क्या करो, सपोज मैं यहां पर इसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, फाइन समझ के चलना। यहां पे मैंने क्या कहा है, मेरे को इसको यहां पे आइडेंटिटी बनाना है, अगर मेरे को इसको यहां पे आइडेंटिटी बनाना है तो पहले इसको 1 बनाते हैं। इसको 1 बनाने के लिए मैं आपको कहता हूं कि आप 3 - 2 कर दो, तो यहां पे क्या है, देखो जब मैं 3 - 2 कर रहा हूं तो मतलब मैंने क्या किया, मैं R1, देखो ये 3 कहां पे है, ये 3 R1 में है, ये 2 कहां पे है, ये R2 में है, तो मैं R1 में से R2 को माइनस करूंगा। नाउ बी केयरफुल, दैट इज योर रो ट्रांसफॉर्मेशन, हम रो वाइज वर्कआउट कर रहे हैं। 3 - 2, 3 कहां पे, R1 में, ये कहां पे, R2 में है, तो मैं R1 में से R2 को माइनस कर रहा हूं। जब मैं R1 के एलिमेंट में से R2 को माइनस करूंगा तभी 3 - 2 आएगा ना यहां पे, ठीक है। तो R1 - R2,
तो मैंने क्या किया, मैंने आर वन में से आर टू को माइनस किया तो चेंज आर वन में होगा, तो ये जो एरो है इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड आर वन, मतलब जो भी चेंज होगा वो आर वन में होगा। तो अब यहां पे क्या होगा, सुनो, ये आर वन फाइन, अब देखो यहां पे ये आर वन ये आर टू, आपने क्या करना है आर वन में से आर टू के एलिमेंट माइनस करने हैं। तो ये देखो ये आर वन है, आर वन में से आर टू, थ्री माइनस ऑफ टू वन, फोर माइनस थ्री वन, ठीक है। अब यहां पे राइट हैंड पे, यहां पे भी यही काम करना है, ओके, आर वन में से आर टू, वन में से जीरो गया वन, जीरो माइनस वन माइनस वन, फाइन। तो आर वन माइनस आर टू बचे थ्री माइनस ऑफ टू वन, फोर माइनस थ्री वन, वन माइनस जीरो वन, जीरो माइनस वन माइनस वन, वी आर रीचिंग अप टू हियर, देर इज नो चेंज इन आर टू, है ना, क्योंकि हमने आर वन भी चेंज किया है, तो वी आर रीचिंग अप टू हियर। अगला काम, जब आपने ये वन बना लिया, वन बनाने के बाद अब किसकी टर्न है, लुक ये वन बन गया यहां पे, जब ये वन बन गया अब आपने ये वाले एलिमेंट को क्या बनाना है यहां पे, व्हाट वी हैव टू मेक हियर, हमने यहां पे जीरो बनाना है, हमने यहां पे क्या बनाना है जीरो, मतलब मेरे को इसको यहां पे जीरो बनाना है, लेकिन जो ये जीरो बनाना है ये बनाना है इसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, वन। तो व्हाट डू यू थिंक, यहां पे जीरो कब आएगा, सोच के देखो, हेल्प मेरे को इसका लेके चलना है, अगर मैं वन को टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, यहां पे टू आएगा, एंड देन टू माइनस ऑफ टू क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। थिंक अपॉन व्हाट आई एम सेइंग, मेरे को यहां पे इसको जीरो बनाना है, इसके ऊपर क्या पड़ा है वन, मेरे को इसकी हेल्प लेके चलनी है, अगर मैं वन को टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो टू इंटू वन क्या आएगा, टू, एंड देन टू में से टू गया यहां पे क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, फाइन। तो आप यहां पे क्या करोगे, लुक, अब मेरे को चेंज यहां पे करनी है, यहां पे ये कौन सा रो है, आर टू, तो मैं आर टू में चेंज कर रहा हूं। अब पहले मैंने आर वन में चेंज किया था, ये देखो आर वन में, यहां पे मैंने वन बनाया था तो मैंने आर वन में चेंज किया था वहां पे, अब मैं जिसमें मेरे को चेंज करना है वो पहले रही लिखा जाएगा, अगर मैं आर वन में चेंज चाहता हूं तो आर वन पहले आएगा, अब मैं आर टू में, ये आर टू है, आर टू में चेंज चाहता हूं तो आर टू पहले लिखा, तो मैं आर टू मतलब ये टू में से मैं क्या माइनस करूंगा, बट आई विल बी सब्ट्रैक्टिंग, आर वन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, टू के साथ, एंड देन आपके पास जो चेंज होगा डेट विल टेक प्लेस इन आर टू, ये काम आपने ऐसे करना है। तो व्हाट नाउ डज दिस बिकम, लेट वी चेक, देखो अब जो भी चेंज होना है वो आर टू में होना है, तो हम यहां पे आर वन को फिलहाल के लिए ऐसे लिख लेते हैं, आर वन में कोई भी चेंज नहीं है, यहां पे देयर इज नो चेंज इन आर वन। अब सोचो बच्चे, आर टू में से टू टाइम आर वन माइनस करना है, आर टू, आर टू में से इसका डबल माइनस करना है, तो टू माइनस ऑफ टू जीरो आएगा, थ्री में से इसका डबल माइनस करना है तो थ्री में से इसका डबल माइनस किया तो यहां पे क्या आएगा, थ्री माइनस ऑफ टू वन आ गया यहां पे, फाइन। अब चलते हैं यहां पे, अगर मैं यहां पे बात करता हूं, ये देखो मेरे को जीरो में से क्या करना है, ये देखो अगर लिखना चाहते हो जीरो में से, ये आर टू, आर टू जीरो है, जीरो में से टू टाइम आर वन, आर वन क्या है ऊपर वन, तो जीरो माइनस ऑफ टू यहां पे क्या आएगा, माइनस ऑफ टू आएगा, एंड देन वन में से, ये वन में से आपने क्या करना है, माइनस ऑफ टू टाइम्स आर वन, आर वन का मतलब क्या है, माइनस वन, तो यहां पे माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो यहां पे वन एंड टू दे विल मेक अप थ्री। फिर देख लो अगर डाउट है, हमने यहां पे क्या करना है, मैंने आपको देखो सबसे पहले मैंने यहां पे क्या किया, बिगिनिंग से लेके अब तक एक बार दोबारा से चेक करते हैं फिर हम आगे चलेंगे। पहले तो मेरे को इसको वन बनाना था, अगर मैंने इसको वन बनाना है तो वन बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इन इसमें से ये डायरेक्ट माइनस कर दिया, मैंने आर वन में आर टू को माइनस कर दिया, तो थ्री माइनस ऑफ टू, क्योंकि आर वन में से आर टू को माइनस किया, चेंज आर वन में होना है, तो आर वन में चेंज हो रहा है, ये देखो यहाँ पे आर वन में, तो थ्री माइनस ऑफ टू वन, फोर माइनस थ्री वन, वन माइनस जीरो वन, जीरो माइनस वन माइनस वन, डेट इज वन थिंग। अगला काम, मेरे को इसको यहाँ पे जीरो बनाना है, ये जीरो कब बनेगा, जब मैं टू में से टू माइनस करूंगा, तो वो टू कहां से आएगा, यू मल्टीप्लाई डेट बाई टू, मतलब हम R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो वो टर्म्स आएंगी उसको R2 में से माइनस करेंगे, तो 2 में से इसका डबल गया 0, 3 में से इसका डबल गया 1, 0 माइनस ऑफ 2 टाइम 1 माइनस ऑफ 2, 1 माइनस ऑफ आगे क्या आएगा, माइनस 1 टाइम 2, डेट विल प्रोवाइड यू 3, डेट इज द वैल्यू आई एम गेटिंग हियर। नाउ जब आपने इतना टास्क यहां पे खत्म कर लिया, नाउ कमिंग टू इट, ये आपका सेकंड लेवल अप,
Now let me come across third level. अब third level यहाँ पे क्या है? I have to make it one. Make A2 to one. इस position को one बनाना है. And then this thing is happening already. तो I have no need to make any initiatives now. ये one है, ठीक है, हमारा purpose यहाँ पे already simplified format में है. अब क्या करेंगे? अब हमने ये एलिमेंट की बात करनी है. A12 को हमने क्या बनाना है? A12 को हमने जीरो बनाना है. किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से, ठीक है. तो मतलब ये वन हमने जीरो बनाना है. किसकी हेल्प से? ये वन के साथ. तो आप करेंगे क्या? देखो, पहले सुनो, मेरे को ये वन को इस वन से, इस वन की हेल्प से जीरो बनाना है. तो अगर मैं ये वन को जीरो बनाना चाहता हूं, पहली बात तो ये वन किस रो में है? आर वन में. तो मैं आर वन में मेरे को यहां पर चेंज करना है. वन में से मैं क्या माइनस करूंगा? वन. आर वन में से आप क्या कर दो? आर टू को सब्ट्रैक्ट. चेंज किस में होगा? आर वन में. तो अब अगर आप यहां पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे क्या आएगा? वन माइनस जीरो, यहां पे वन. वन माइनस वन यहां पे क्या आ गया? जीरो आ जाएगा. देन यहां पे क्या है? जीरो वन. यहां पे कोई चेंज नहीं है क्योंकि चेंज होगा आर वन में. इज इक्वल टू आगे क्या आ गया आपके पास? ए टाइम्स. नाउ लेट यू चेक व्हाट इज हैपनिंग हियर नाउ. हाँ जी, अब देखो, R1 में से R2 को माइनस करना है. तो 1 में से इसको माइनस किया, तो 1 में से अगर माइनस ऑफ 2 माइनस किया तो यहां पे क्या आएगा? 3. माइनस 1 में 3 माइनस किया, माइनस 1 माइनस 3, माइनस क्या आएगा? 4. देन यहां पे क्या आएगा? माइनस ऑफ 2 एंड देन यहां पे क्या आएगा? 3. तो डेट इज द वैल्यू आई विल बी गेटिंग हियर. तो ये जो है ये आपके पास यहां पे, अब देखो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर. आई एम गेटिंग ए, let this be b and this is identity. So when a into b is equal to i, so b is inverse of a. तो मतलब ये जो matrix है ये आपके पास यहां पर क्या है? ये a का inverse है. That is how things will be happening here. Okay, you need to be very careful. Okay, अब इस sum को एक और way में लेके चलते हैं क्योंकि दोनों के दोनों option आपके पास वहां पर open है, जो मैंने आपको beginning में कहा था. सपोज मैं यहां पे इसको द्वार से लेके चलता हूं. नाउ व्हाट आर गिवन हियर, प्लीज बी वेरी केयरफुल नाउ. 3 4 2 3, यहां पे क्या है? ए टाइम्स 1 0 0 1. दोनों तरीके आपको क्लियर हो वहां पे. मैंने क्या कहा था? आई हैव टू मेक इट वन. बिगनिंग में यही कहा था ना, इसको वन बनाना है हमने. आई वांट टू मेक इट वन. अब इसको वन बनाने के दो तरीके हैं. या तो एक तो यह था, दोनों को माइनस कर दिया, या जनरली जब भी आपने वन बनाना होता है, जो नंबर होता है उसके साथ ही डिवाइड करते हैं हम लोग, याद रखिएगा. जब भी वन बनेगा, ठीक है, मेजोरिटी प्रॉब्लम्स में जो वन बनता है वो हम डिवाइड करके बना लेते हैं. तो यहां पे क्या है? अब मेरे को अगर वन बनाना है तो मैं यहां पे क्या करूंगा? थ्री को थ्री से डिवाइड करूंगा. लेकिन थ्री कहां पे है? आर वन में है. तो अगर थ्री आर वन में है तो आप क्या करो? आर वन को पहले थ्री से डिवाइड करो. आपके पास चेंज किस में होगा? आर वन में होगा, याद रखिएगा. फाइन, चेंज इज गोइंग टू बी इन आर वन. तो व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, लुक, मैंने आर वन को थ्री से डिवाइड किया, यहां पर क्या गया? वन. यहां पर क्या आएगा? 3 से डिवाइड किया, 4.3. यहां पे कोई चेंज नहीं किया. अब चेक करो यहां पे क्या आएगा? 8 टाइम्स यहां पे क्या आ गया? ये हमने इसको 3 से डिवाइड करना है, 1/3. यहां पे क्या आएगा? 0. यहां पे 0, यहां पे 1. आई बी रीचिंग हियर. अब जब आपका ये टास्क यहां पे खत्म हो गया, अब आपने क्या करना है? अब आपने इसको 0 बनाना है. अब यहां पे 2 है, यहां पे क्या? 1. वही काम है अगर आपको याद हो. अब देखो क्या करेंगे, अगर यहां पे 2 है यहां पे 1 है, पहले इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 के साथ. मतलब R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. और ये किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? R2 में से, क्योंकि मेरे को चेंज यहां पे चाहिए. तो R2 में से 2 टाइम R1 आपने सब्ट्रैक्ट करना है. तो चेंज किस में होगा? R2 में. नाउ लेट यू चेक व्हाट डज दिस बिकम. यहां पर क्या गया? 1. यहां पर क्या गया? 4/3. नाउ लेट यू चेक, मैं 2 में से डबल इसका सब्ट्रैक्ट किया, यहां पे क्या आएगा? 0 आएगा. यही तो बना रहे हैं हम लोग. 3 में से मेरे को इसका डबल सब्ट्रैक्ट करना है. तो सोचो, अगर मैं 3 में से 2 टाइम 4/3 सब्ट्रैक्ट किया तो व्हाट आई विल गेट? 1/3 आ रहा है कि नहीं? यू कैन चेक इट आउट. 9 - 8/3, 1/3 इज इक्वल टू. अब यहां पर चलते हैं 8 टाइम्स. अब इसको देखो बच्चे, यहां पर क्या है? 1/3. यहां पर क्या है? 0 है. अब क्या करेंगे? आर टू में से 2 टाइम आर वन, 0 में से इसका 2 टाइम माइनस करना है. तो 0 में से इसका अगर 2 टाइम माइनस किया तो यहां पे क्या आएगा? -2/3. और 1 में से इसका डबल माइनस किया तो यहां पे क्या आएगा? 1 ही आ रहा है. आई एम रीचिंग अप टू हियर. अब जब ये टास्क आपका हो गया, ये ऑपरेशन आपने अप्लाई कर दी, तो R2 में से मैंने इनके डबल डबल माइनस कर दिया. R2 में से इसके डबल माइनस कर दिया मैंने.
वी आर रीचिंग अप टू हियर. अब क्या आएगा, अब आपका ये थर्ड लेवल आएगा. मेरे को ए टू टू को क्या बनाना है, वन. तो मेरे को अगर ए टू टू को वन बनाना है, अगर मैं ए टू टू को वन बनाना चाहता हूँ, ये वन बनाना है. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वन बाई थ्री है. तो अगर यहाँ पे वन बाई थ्री है, इसको वन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं थ्री से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. अब आर टू में मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि ये आर टू में पड़ा है. तो आप थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, आई विल बी गेटिंग चेंज इन आर टू. एंड नाउ यू चेक वट आई विल बी गेटिंग, वन. यहाँ पे क्या गया, 4.3. यहाँ पे जब 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा. जब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1. एंड नाउ व्हाट आई एम गेटिंग हियर, 8 टाइम्स. अब 3 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 0. जब 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, माइनस ऑफ 2. और जब 3 से बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, आई विल गेटिंग 3 हियर. यहाँ पे मेरे पास 3 आ जाएगा. अब एक ही ऑपरेशन रह गया. अब क्या करना है, देखो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये रहता है, ये क्या है यहाँ पे. अब क्या बनाना है हमने यहाँ पे, लुक एज पर रूल आई नीड टू मेक ए 1 2 जीरो हियर. तो मेरे को अगर ये जीरो बनाना है, ये जीरो कैसे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ 1. ओके, ये आपने इसकी हेल्प से बनाना है. तो यहाँ पे जीरो कैसे आएगा, अगर मैं 4/3 में से 4/3 क्या करूंगा, सबट्रैक्ट. तो अब चेक करो, तो मतलब क्या करेंगे, 4/3 में से 4/3 माइनस. तो पहले इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब ये आर टू है, तो R2 को 4/3 से मल्टीप्लाई करो, और ये जो वैल्यू है इसको किसमें से माइनस करेंगे, R1 में से. तो चेंज विल टेक प्लेस इन R1. अब सोचो क्या बनेगा, अगर मैं R1 में से 1 में से इसका 4/3 टाइम माइनस किया, यहां पे 1, 4/3 में से 4/3 टाइम 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो यहां पे क्या आएगा, 0. ये बन रहा है, देखो आइडेंटिटी आपका. अब राइट हैंड को देखते हैं. अब सोचो इसका, अगर मैं 1/3 में, लुक 1/3 में आगे क्या आ गया, माइनस 4/3 टाइम माइनस ऑफ 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या बनेगा, 1/3 प्लस 8/3, 9/3, दैट इज इक्वल टू 3. तो मतलब अगर मैं 1/3 में से 4/3 टाइम माइनस ऑफ 2 सब्ट्रैक्ट किया, आई एम गेटिंग 3. तो मेरे पास यहां पे क्या आ गया, 3 आ गया. एंड देन इसकी बात करते हैं. अब देखो, जीरो में से क्या करना है, 4/3 टाइम 3, तो यहां पे क्या आएगा, माइनस 4. यू कैन चेक इट आउट. ओके, एंड देन यहां पे क्या है, माइनस ऑफ 2, एंड देन यहां पे क्या है, 3. एंड नाउ यू फोकस, आर यू गेटिंग सेम वैल्यू बैक ऑर नॉट, वी आर गेटिंग सेम थिंग बैक. तो दैट इज हाउ यू विल बी इवेल्युएटिंग इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स व्हेन यू आर हैविंग रो ट्रांसफॉर्मेशन. अभी हम 2/2 मैट्रिक्स के ऊपर एक पूरा लेक्चर और लगाएंगे, ठीक है, 3/3 पे बाद में चलेंगे. इन द मीन टाइम यू शुड बी गोइंग थ्रू ऑल दिस ऑपरेशन, ट्राई टू राइट डाउन ऑल दिस ऑपरेशन ऑन योर ओन, इट विल डेफिनेटली टेक सम टाइम. ओके, बट ये काम आसान है. वाइल मेकिंग कैलकुलेशन टेक योर टाइम इन बिगनिंग, देर इज नो प्रॉब्लम. ओके, अगर आपको एक सम को सोल्व करने में वहाँ पर टाइम लगता है, द थिंग इज कि यू शुड बी एबल टू नो हाउ यू हैव टू राइट डाउन ऑपरेशन, हाउ द थिंग्स हैव टू बी ऑपरेटेड. और जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म हमेशा आपका ऐसे चलेगा, यू विल नॉट बी ब्रेकिंग एनी सीक्वेंस देयर. द थिंग्स हैव बीन टोल्ड कि आपने पहले इसको वन बनाना है, देन जीरो, देन वन, देन जीरो. इट इज टू बी मेंटेन्ड एज सच. ओके, एवरीवेयर वी आर मेकिंग यूज ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन. यू कैन चेक, रो ट्रांसफॉर्मेशन हम जो है यूज कर रहे हैं, मतलब रो वाइज हम वहां पे जो है कन्वर्जन कर रहे हैं, रो वाइज हम वहां पे ऑपरेशंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. तो दैट इज एनफ फॉर द मोमेंट. थैंक यू.